जी आप अपने इंस्टीट्यूट में ऐसी क्या फैसिलिटी देते हैं कि जो स्टूडेंट है वो और कोचिंग में ना जाके आपके पास आए? तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ जो भी स्टूडेंट आता है जी, उसका मैं पहले टेस्ट लेता हूँ जी। टेस्ट लेने के बाद हमारे यहाँ 3 लेवल डिसाइड हो जाते हैं उस स्टूडेंट के कि किस लेवल में हमें उसको रखना है जी। जैसे कि एंट्रेंस होते हैं सर, AMU का जो एंट्रेंस होता है जी, ठीक है, जामिया का एंट्रेंस होता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप किस लेवल से कराते हैं सर? यहाँ पहले फाउंडेशन क्लास शुरू होती हैं जी, तो उनका जो टाइमिंग है वो 2 से या 3 मंथ के करीब होता है जी। तो उस दौरान हम 6, 7, 8 तक का जो फाउंडेशन है जी, वो बच्चे का मजबूत कर लेते हैं जी। फिर उसके उसके बाद मेरा खुद मेन जो बैच होता है मेरा खुद का आता है AMU का जी, जिसमें बच्चा स्कोर ज़्यादा करता है जी। जी सर, जो हर संभव मदद की जरूरत होती है एज ए टीचर के रूप में हम उसको करते हैं। और आर्थिक स्थिति की बात आती है, यदि बच्चा, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, यदि किसी बच्चे पर आर्थिक स्थिति के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैच नहीं पढ़ पा रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मेरे पास आए, मैं 100% गारंटी के साथ उसका सिलेक्शन कराऊँगा और हर संभव उसकी आर्थिक मदद भी करूंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार दुबे, HBN न्यूज में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे बीच में आए एक ऐसी हस्ती जिनको पिछले 9 साल सा एक्सपीरियंस है एज ए टीचर, जिन्होंने 5 साल पहले अपना एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, न जाने कितने बच्चों को, न जाने कितने एंट्रेंस, कितनी क्वालिफिकेशन दी और न जाने कितने बच्चों की लाइफ बदल दी। आज वो हमारे स्टूडियो में है, मिस्टर सुनील गौतम, जिनका इंस्टीट्यूट है सुनील कॉन्सेप्ट के नाम से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। जी धन्यवाद। एक बार मैं चाहूंगा सर कि हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने बारे में कुछ बताएं हमारे व्यूअर्स को। जी मेरा नाम सुनील गौतम है और मैं MSc मैथमेटिक्स से हूँ। करीब 9 साल से मैं स्टूडेंट्स को उनके मैथ में जो प्रॉब्लम आ रही हैं उनको सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूं और उसमें कुछ हद तक मैं सफल भी हुआ हूं। इस दौरान हमने जब 9 साल के इस एक्सपीरियंस में हमने शुरुआत जब की थी तो बहुत छोटे स्तर से की, लेकिन जब मैंने सोचा कि छोटे स्तर से यदि हम करेंगे तो ज़्यादा बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो पिछले 5 साल से फिर मैंने सुनील कॉन्सेप्ट के नाम से एक अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन किया और करीब आज जो है 200 के करीब स्टूडेंट हमारे यहाँ। तो सर आप अपने कोचिंग सेंटर में सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं या किसी कंपटीशन की भी तैयारी करा रहे हैं? हमारे यहाँ पर एंट्रेंस के साथ साथ एकेडमिक फाउंडेशन क्लासेस भी चलती हैं। सर किस क्लास से आप अपने स्टूडेंट्स को लेते हैं, किस कौन सी क्लास से आप स्टार्ट करते हैं कोचिंग देना? सर हम जो हैं रूट लेवल से शुरू कर देते हैं। हमारे यहाँ 3 सेक्शन में डिवाइड है जी, फर्स्ट से लेकर 8 तक जूनियर लेवल का हम कराते हैं जी, फिर उसके बाद हमारा 9 से 12 तक का हो जाता है जी, फिर इसके बाद हमारा एंट्रेंस वो कंपटीशन और एंट्रेंस एग्जाम होता है। सर जैसे कि आप 4th या 5th क्लास के बच्चों को भी कोचिंग देते होंगे, तो सर जो छोटे बच्चे होते हैं उनका माइंड इतना सेट नहीं होता, वो इतने मैच्योर नहीं होते जी, वो ज़्यादातर पढ़ाई से भाग के खेल कूद में रहते हैं। एक 10th या 12th के बच्चे को तो पता होता है कि मुझे क्या करना है, तो आप उन बच्चों के लिए किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हैं या उनको किस तरीके से गाइड करते हैं पढ़ने के लिए? छोटे बच्चों का जो माइंड है वो खेल कूद में ज़्यादा रहता है, तो हम उनके खेल को ही स्वीकार करते हुए खेल ही खेल में उनको एजुकेट एक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, काउंटिंग का जो सिस्टम है वो खेल खेल में सिखा देते हैं। सर आज की डेट में अगर हम देखें तो अलीगढ़ के अंदर काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे हब हैं, एक गली हर नुक्कड़ पे आपको एक कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। सभी जो कोचिंग सेंटर डायरेक्टर हैं वो अपने अपने इंस्टीट्यूट को बेस्ट बनाने के लिए कोई ना कोई फैसिलिटी स्टूडेंट्स को देते हैं जी। आप अपने इंस्टीट्यूट में ऐसी क्या फैसिलिटी देते हैं कि जो स्टूडेंट है वो और कोचिंग में ना जाके आपके पास आए? क्या ऐसा स्पेशल ट्रीटमेंट आप करते हैं?
सबसे पहले जैसे मैं एज ए मैथमेटिक्स टीचर हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने यहाँ जो भी स्टूडेंट आता है जी, उसका मैं पहले टेस्ट लेता हूँ जी। टेस्ट लेने के बाद हमारे यहाँ तीन लेवल डिसाइड हो जाते हैं उस स्टूडेंट के कि किस लेवल में हमें उसको रखना है जी। तो हम जब देखते हैं कि वो किस लेवल का है, ऐसा तो नहीं है कि वो चीज़ों को जल्दी सीख नहीं पा रहा है जी जी जी, तो वो लेवल अलग रख देंगे जी। और उसकी अंडरस्टैंडिंग जल्दी कैच करने वाली है तो उस लेवल का अलग कर देते हैं जी। और एक होता है हाईली लेवल वाला बच्चा, उसको अलग, तीन कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है जी। तो जो टेस्ट लेने के दौरान हम उनकी कमियों को भी देख लेते हैं, किस पे फोकस करना हमें ज़्यादा जी जी, तो उसी स्टेप बाई स्टेप हम उसकी कमियों को दूर करते हैं जी। और हम उसमें कुछ हद तक सफल भी हुए हैं और आगे भी होंगे। सर जैसे कि एंट्रेंस होते हैं, सर एएमयू का जो एंट्रेंस होता है जी, ठीक है, जामिया का एंट्रेंस होता है, तो उसकी प्रिपरेशन आप किस लेवल से कराते हैं सर? इसमें जामिया में या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट का सपना होता है कि मैं उसमें जाऊं जी, लेकिन सपना जो है दो तरीके से अधूरा रह जाता है जी, एक आर्थिक स्थिति के कारण जी, और कुछ बच्चों का बेस मजबूत नहीं होता उसके कारण जी। जिन बच्चों का आर्थिक स्थिति कमजोर है जी, उनको हम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं कम फीस में भी जी। दूसरा जिनका बेस मजबूत नहीं है जी, तो जैसे 9th क्लास का हमें एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करानी है जी, जी। तो हमारे यहाँ पहले फाउंडेशन क्लास शुरू होती है जी, तो उनका जो टाइमिंग है वो दो से या तीन मंथ के करीब होता है जी। तो उस दौरान हम 6, 7, 8 तक का जो फाउंडेशन है जी, वो बच्चे का मजबूत कर लेते हैं जी। फिर उसके बाद मेरा खुद मेन जो बैच होता है मेरा खुद का आता है एएमयू का जी, जिसमें बच्चा स्कोर ज़्यादा करता है जी। जी सर, यहाँ पे एक सवाल आता है कि एक अच्छे स्टूडेंट्स को बनाने के लिए काफ़ी मेहनत लगती है जी जी, अगर वो टीचर सही ना हो तो वो स्टूडेंट को ख़राब हो जाता है जी जी जी। तो आपके इंस्टीट्यूट में आप जो टीचर रखते हैं, जो फैकल्टीज रखते हैं जी, वो टीचर आप किस बेस से स्टार्ट करते हैं, या वो किस तरीके के टीचर रखते हैं, या सिर्फ आप ही पूरी कोचिंग को संभालते हैं? हमारे यहाँ पर फैकल्टी हैं, और फैकल्टी को रखने का मेरा जो मकसद रहता है या फिर मेरा जो टारगेट रहता है, आपने देखा होगा कि आईटी कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हम नियुक्त करते हैं उसमें डिग्री का मायने नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें क्या होता है कि उनको एक कोडिंग दे दी जाती है जी, जी। यदि वो कोडिंग सही कर लेते हैं जी, तो उनको हम अपॉइंटमेंट कर लेते हैं जी। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर भी टेस्ट होता है जी, टेस्ट और उसके बाद डेमो क्लास होती है 2-3 दिन की। इन टेस्ट में और डेमो क्लास में यदि टीचर सही बैठता है जी, और 100% जो है बच्चे उससे एग्री होते हैं जी, जी। तो हम उसको फिर उसमें अपॉइंटमेंट कर देते हैं जी। सर आपने भी कहा था अभी हमारी वार्तालाप में कि बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से एंट्रेंस में रह जाते हैं, उनका सपना होता है जी जी। तो जैसे और भी अलीगढ़ में कोचिंग सेंटर्स हैं, सबने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर एक स्कॉलरशिप रखा हुआ होता है कि जो बच्चे एक्चुअल में आर्थिक तंगी को झेल रहे हैं जी, उनको वो फ्री क्लासेस देते हैं, या कुछ इस तरीके से आपने भी अपनी कोचिंग सेंटर में रखा हुआ है कुछ ऐसा स्कॉलरशिप एग्जाम या स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं आप? ये जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि स्कॉलरशिप बेस के आधार पर बच्चों को ठगने का काम कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं रखा है। यदि आपको सच में बच्चे की मदद करनी है तो वो तो डायरेक्ट आपके पास आ ही जाएगा जी, और जब डायरेक्ट आ जाएगा तो आप जब उसका कन्वर्सेशन आपका और टीचर का और स्टूडेंट का हो जाएगा जी, तो आपको खुद पता चल जाएगा उसकी आर्थिक स्थिति खराब है कि सही है जी। तो उसी लेवल के हिसाब से और बच्चे की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम जी, जो हर संभव मदद की जरूरत होती है एज ए टीचर के रूप में हम उसको करते हैं। और आर्थिक स्थिति की बात आती है, यदि बच्चा, मैं अभी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, यदि किसी बच्चे पर आर्थिक स्थिति के कारण अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बैच नहीं पढ़ पा रहा है बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में, मेरे पास आए, मैं 100% गारंटी के साथ उसका सिलेक्शन कराऊंगा। और
हर संभव उसकी आर्थिक मदद भी करूंगा। सर जैसे कि अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है यानी आपका जो इंस्टीट्यूट है एक शहर में है जी, शहर के जो बच्चे होते हैं वो अवेयर हो जाते हैं, लेकिन और पास के जो बच्चे होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं जी, जी। वो अवेयर नहीं हो पाते या उनका डिस्टेंस बहुत लंबा होता है तो वो आप तक पहुंच नहीं पाते जी। तो उनके लिए क्या प्रावधान आपने जो यूज किया हुआ है कि उन तक आप पहुंच पाए, उन तक आपकी शिक्षा पहुंच पाए? आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ग्रामीण परिवेश में जो बच्चे रह रहे हैं जी, उनको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रवेश परीक्षा के में ज़्यादा रुचि नहीं है जी। और रुचि का कारण ये है कि जहाँ कहीं पे भी वो पढ़ रहे हैं जी, वहाँ के जो टीचर मिले हुए हैं जी, वो इन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज के बारे में वो बच्चों से कुछ बात नहीं करते जी, जी। उनके लाभ के बारे में बात नहीं करते कि वहाँ पे पढ़ने से क्या आपका स्टैंडर्ड ऊपर जाएगा जी, जी। तो सबसे पहले तो मेरा ये है कि जहाँ कहीं भी आसपास जितने भी ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं जी, और प्राइवेट स्तर से जो टीचर हैं या फिर गवर्नमेंट टीचर हैं जी, मैं आपके चैनल से उनको कहना चाहूँगा कि आप जो हैं एट्थ क्लास के जितने भी बच्चे हैं उनको बताएं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बारे में, जामिया के बारे में, JNU के बारे में, जिससे कि उनको पता चले, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं चलेगा जब तक हमें जिज्ञासा कहाँ से आएगी। सर सवाल भी यही है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के या जो नीचे तबके के बच्चे हैं वो अवेयर ही नहीं है, अवेयर नहीं, आगे कैसे बढ़ा जाए। जो बच्चा शहर का वो जानता है कि AMU क्या है, वो जानता है जामिया क्या है, वो जानता है डिफेंस कॉलेज कौन सा है, वो जानता है NIT क्या है, वो जानता है मेडिकल की प्रिपरेशन कैसे करनी है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो बच्चा होता है, नीचे तबके का बच्चा होता है, उसके अंदर लगन होती है, उसके अंदर माइंड भी होता है, लेकिन वो अवेयरनेस की वजह से कहीं ना कहीं पीछे रह जाते हैं और उसके साथ आड़े आ जाती है उसकी आर्थिक तंगी। जब तक उसे पता चलता है तब तक उसके आड़े आर्थिक तंगी आ जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करा? उसके लिए मैं आपको यदि मैं बताऊं, सोनू कॉन्सेप्ट का जो लोकेशन है वो डोरी नगर में है जी, और डोरी नगर से सटे हुए कई गांव हैं, जैसे नगला मानसे आपका गांव अब नगर निगम में आ चुका है जी, आपका जो है बदेशी है, इधर आप और थोड़ा आगे चिरौलिया भी है आपका, दाऊद खां भी है, यहाँ गवाना है, भगतपुर गड़नाना वगैरह ये सब हैं, तो यहाँ से भी बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो है शहर के बच्चों को ही कैच कर रहे हैं, हमारे यहाँ ग्रामीण परिवेश के भी बच्चे काफी आ रहे हैं। जो बच्चा हमारे पास आ जाता है हम उसको उनको इस जो भी जानकारी वो हम दे देते हैं, लेकिन मेरा एक और प्लानिंग इन फ्यूचर है कि हम जो हैं हर संडे को जी, हर गांव एक गांव सेलेक्ट करें हम जी, जी। और सेलेक्ट करने के बाद उस गांव में ही हम जो भी मतलब वहां में सामुदायिक केंद्र है वहां पर उन बच्चों को बुलाएं, और या फिर हम प्राइमरी स्कूल को भी टारगेट बना सकते हैं जी, जी। उनको फ्री एजुकेशन, फ्री एजुकेशन, या फिर उनको जो है आगे हमें क्या करना काउंसलिंग करना सकते हाँ, जी एक तरीके से उनकी काउंसलिंग कर सकते जी, जी, जरूर, ताकि बच्चों को अवेयरनेस हो और बच्चे जुड़ सके जाते हाँ, हाँ, जी सर। सर एक सवाल मेरा आपसे और है यहाँ पे कि लास्ट ईयर अगर मैं आप जैसे आपने बताया कि आपके पास तकरीबन 200 प्लस की स्ट्रेंथ है जी, तो लास्ट ईयर आपका इंस्टीट्यूट का क्या परसेंटेज रिजल्ट रहा सर? 10th 12th और आपका ये कंपटीशन एंट्रेंस ये सभी की प्रिपरेशन कराते हैं आप जी, तो ओवरऑल लास्ट ईयर आपके पूरे होल इंस्टीट्यूट का परसेंटेज क्या रही सर? हमारा जो होल परसेंटेज जो रहा है पासिंग परसेंटेज, उसमें 100% रिजल्ट हमने दिया है जी, जिसमें यदि आप शुरुआत करेंगे, क्योंकि सामान्यतः लोग जो है यूपी बोर्ड के स्टूडेंट या CBSE बोर्ड एग्जाम के बारे में ज़्यादा पूछना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि 10th क्लास यूपी बोर्ड से हमारा जो 40 की स्ट्रेंथ थी, इन 40 की स्ट्रेंथ में हमारे करीब 19 स्टूडेंट मैथमेटिक्स में 90 से 98 तक जी, इसको करके लेकर आए, मतलब 98% आपके इंस्टीट्यूट का रिजल्ट जी, रहा जी, हाँ सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा जी। सर मैं चाहता हूँ कि आप आगे भी इसी तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड कराते रहे। एक होता ना सर आपका जैसे इसमें एक और मैं जोड़ना चाहूँगा, इसमें 10th का तो रिजल्ट हमने बता ही दिया,
इसमें 97 जो है स्कोर मैथ में आउट ऑफ 100 करीब 6 बच्चों का हमारा रहा। अरे वाह सही है, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा। और आपका 12th का यदि आप देखें तो 12th के यश कुमार के नाम से लड़का है, हीरा लाल बारासैनी से, जी जी, तो उसका 92% आई। ओके। और उसका जो मैथ में है वो 93 है आउट ऑफ 100, जो कि इंटरमीडिएट में सबसे बेस्ट स्कोर माना जाता है इस टाइप का। जी जी सर, यहाँ पे आपकी बहुत अच्छी वो चल रही है एजुकेशन। सर यहाँ पे मुझसे एक सवाल और आपसे बनता है कि आपके पास फर्स्ट क्लास से लेकर के 12th क्लास तक के बच्चे पढ़ते हैं, एंट्रेंस के भी बच्चे पढ़ते हैं, कॉम्पिटिशन लेवल के भी बच्चे पढ़ते हैं। सर सारे बच्चे तो एक जैसे होते नहीं। जी जी ठीक है, कुछ हर एक बच्चे का माइंड अलग होता है, कुछ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं, कुछ मस्ती करने वाले बच्चे होते हैं। जी जी, तो कुछ क्या आपके इंस्टीट्यूट में ऐसा तो नहीं होता कि कुछ बच्चे गलत एक्टिविटीज करके आपके आते हो इंस्टीट्यूट में, अदर बच्चों को परेशान करते हो, तो उनके लिए आपका जो इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिन, एक तरीके से बात करें डिसिप्लिन, किस तरीके से मेंटेन करते हैं आप? क्या आप उनको आने देते हैं कि अरे फीस तो आ ही रही है, या आप फीस छोड़ के सिर्फ अपने इंस्टीट्यूट का डिसिप्लिन देखते हैं कि इनकी वजह से और बच्चों को असर ना पड़े? जी, हिंदी में एक कहावत है कि एक जो बेकार जो मछली होती है पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो हमारा जो मैं जब से हमने स्थापना किया या फिर 9 साल का जो एक्सपीरियंस हुआ है और बड़े स्तर से हम 5 साल से हम कोचिंग संचालित कर रहे हैं, इस दौरान हमारे कई ऐसे ऐसे बच्चे आए, बहुत बिगड़े हुए भी बच्चे आए जी, उनको प्रॉपर गाइडेंस हमने दिया। जी जी जी, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि जो कि सिगरेट वगैरह की मतलब धूम्रपान की भी लत लग गई थी उन्हें, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस दिया, संडे को उनको स्पेशल क्लास में बुलाया, तो कुछ बच्चे सुधर भी जाते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रहा कि मैं 100% सभी को सुधार दूंगा, लेकिन एक टीचर का काम है ना केवल वो केवल पाठ्यक्रम सिलेबस को कंप्लीट करे, बल्कि बच्चों में नैतिक शिक्षा के जो गुण हैं वो भी रखे जी, और बीच बीच में मोटिवेशन जरूरी है जी जी। अब इस वजह से हमने कई बच्चों को इस तरीके से इस गलत रास्ते से निकाला है जी। और रही बात डिसिप्लिन, जो बच्चा डिसिप्लिन में नहीं रहता है जी, हम उनको 2 वार्निंग देते हैं जी, यदि वो डिसिप्लिन नहीं मानता है तो हम फिर उसकी चिंता नहीं करते, भाई तुम चले जाओ, टर्मिनेट कर देते जी। तो भाइयों आज हमारे साथ थे मिस्टर सुनील गौतम, जिन्होंने अपना अनुभव हमारे चैनल के माध्यम से शेयर किया। उन्होंने हमें बताया कि वो किस तरीके से अपने इंस्टीट्यूट को डिसिप्लिन रखते हैं, किस तरीके से वो कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, किस तरीके से वो एंट्रेंस की तैयारी कराते हैं, गरीब तबके बच्चों के लिए वो किस तरीके से काम कर रहे हैं, किस तरीके से एक जन सहयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनका आने वाला प्लान ये है कि वो आने वाले गाँव, चूँकि नियर बाई गाँव हैं जहाँ पर बच्चों को अवेयरनेस नहीं है, उनको एक फ्री काउंसलिंग प्रोवाइड करेंगे ताकि उन बच्चों को अवेयरनेस जुड़े। सर की कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमारे चैनल पर अवेलेबल रहेंगी, जिस भी बच्चे को सर से कॉन्टैक्ट करना है गणित के बारे में, फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, चाहे वो सर के कोचिंग सेंटर का स्टूडेंट हो या ना हो, सर को कॉल करके वो उनसे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। मैं कैमरामैन नीरज के साथ दीपक दुबे, अलीगढ़। धन्यवाद।